इन दिनों रीवा जिले में पत्रकारिता के नाम पर जमकर ठेकेदारी चल रही है। पत्रकारिता का चोला ओढ़े लोगों के द्वारा राजनीतिक लाभ पाने के लिए जहां अपना जमीर बेचा जा रहा है, वहीं इनके बेटे और स्वयं पत्रकार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। हाँ, ये जरूर है कि इन्हीं की साजिश से निष्पक्ष खबर लिखने वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसके लिए ना तो कोई संगठन कभी आवाज उठाता है और ना ही सामाजिक कार्यकर्ता। जिले में दर्जनों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पत्रकार और पत्रकारों के बेटे हत्या के प्रयास में मारपीट जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं। वहीं ताजा मामला सीधी जिले में प्रकाश में आया है, जहां नामी अखबार दैनिक जागरण रीवा के प्रभारी संपादक का बेटा डकैती डालते हुए पकड़े गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी के साथ उसके गांव के आधा दर्जन से अधिक साथी भी पकड़े गए हैं, जिसमें एक अपने आप को पत्रकार भी बता रहा है। फिलहाल पुलिस उक्त अखबार के दबाव के चलते ज्यादा खुलासा तो नहीं की, लेकिन उक्त अखबार की निष्पक्षता पर कलंक जरूर लग चुका है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा दिया है। दरअसल मामला सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र का है, जहां बुलेरो क्रमांक MP17CA8193 में सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 3:30 पर 100 डायल पुलिस को सूचना मिली थी कि चुरहट से अपने भाई और ड्राइवर के साथ बुकिंग लेकर जा रहे बुलेरो क्रमांक MP53CA7050 सवारों के साथ पीछा कर कुबरी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही आनन फानन में पुलिस ने घेराबंदी की, तो पुलिस ने उक्त बुलेरो और लूट अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई बुलेरो में दैनिक जागरण और छत्री लिखा हुआ है। पेपर का नाम आते ही विभाग के साथ साथ मीडिया घरानों में भी चर्चा शुरू हो गई है। तो वहीं पकड़े गए युवकों में किशन उर्फ कृष्णा श्रीवास्तव, पिता दिलीप श्रीवास्तव निवासी पलिया रघुराजगढ़ थाना गढ़, अरुणेंद्र सिंह पिता देवेंद्र सिंह पैकन गाँव थाना मनगवा, मृगेंद्र सिंह पिता हीरालाल सिंह पैकन गांव थाना मनगवा, जितेंद्र सिंह पिता लाल बहादुर सिंह पैकन गांव थाना मनगवा, दीपक गुप्ता पिता राजकुमार गुप्ता पलिया रघुराजगढ़ थाना गढ़, ओमपाल सिंह पिता करणवीर सिंह पैकन गांव थाना मनगवा, रज्जन उर्फ सुखनिधान सिंह पिता नंद कुमार सिंह निवासी पलिया रघुराजगढ़ थाना गढ़ एवं प्रकाश सिंह पिता दुर्गजय सिंह पैकन गांव थाना मनगवा के रूप में पहचान हुई है। आपको बता दें कि वरुणेंद्र सिंह निवासी पैकन गांव वर्तमान में दैनिक जागरण रीवा के प्रभारी संपादक के बेटे हैं, जो अपने साथियों के साथ मारपीट लूट और अपहरण जैसे मामलों में पकड़े गए। बताया जाता है कि इसके पहले भी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको ये भी बताते चले कि आरोपियों ने अपहरण कर 2000 रुपये छीन लिए थे, तो वहीं मोबाइल गोपन नदी में फेंक दिया था। कार्रवाई में बहरी थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि बुलेरो चालक अशोक सिंह और प्रवीण जायसवाल के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं लूटपाट के बाद युवक का अपहरण कर लिया गया था, जिसे कुछ दूर ले जाने के बाद जंगल में फेंक दिया गया था। पीड़ित ने किसी से फोन पर सूचना कर मदद मांगी थी, जिसके बाद आरोपी पकड़ में आ गए। वहीं पकड़ी गई गाड़ी के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। और अब आप सोच सकते हैं कि अवैध कारोबार में सम्मिलित मीडिया वाले कैसे भ्रष्टाचार और गलत कार्यों को करने वालों के खिलाफ खबरें लिख सकते हैं, जब कीचड़ में खुद इनकी गर्दन डूबी हुई है। अगर आम जनता इनसे निष्पक्ष और न्याय की आशा रखती है, तो शायद गलतफहमी है। सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित अखबार का नाम लेकर लूट, डकैती और अपहरण किया जा रहा है। अपना नाम न लिखने की शर्त पर कई पत्रकारों ने उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी में जागरण नाम और गाड़ी मालिक का पत्रकारिता से संबंध के खुलासा करने की बात कही है।